हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर फाइन। सो वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न साइंस मैथिक्स। मैं कनिका, आपकी साइंस टीचर, एक और वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हो चुकी हूँ। सो लास्ट वीडियो में जो मैंने आपको पढ़ाया वो आपको समझ में आया होगा। क्या पढ़ा था लास्ट वीडियो में? लास्ट वीडियो में हमने अपना चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था। चैप्टर का नाम था एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स, और हमने सॉल्ट्स के बारे में पढ़ना स्टार्ट किया था। सॉल्ट की डेफिनेशन पढ़ी थी, सॉल्ट के पीएच के बारे में पढ़ा था। ठीक है, ये सब आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आपने बुक से भी रीड किया होगा। सो आज क्या करेंगे? आज हम कुछ सॉल्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, उनका केमिकल नेम पढ़ेंगे, केमिकल फॉर्मूला पढ़ेंगे, उनकी प्रेपरेशन पढ़ेंगे, उनके यूजेस पढ़ेंगे। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। बोर्ड के एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चन ज़रूर मिलता है इस टॉपिक में से। तो आपने क्या करना है, बहुत ही ज़्यादा ध्यान से इस टॉपिक को समझना है, और टॉपिक को ध्यान से समझने के लिए आपको वीडियो को जो है एंड तक देखना होगा। ठीक है, और जिस बच्चे ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को जाके सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जो है प्रेस करें, ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आपको मेरी वीडियोज़ की टाइमली मिल सके। ठीक है, और जो बच्चे नए हैं, जिन्होंने अभी तक पिछली वीडियो नहीं देखी है, सभी वीडियोस का इस चैप्टर की आपके पास डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रेजेंट है, लिंक पर क्लिक करिए और पिछली वीडियोस को ज़रूर देखिए। ठीक है, सो जो आज वाला टॉपिक है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है और आपके चैप्टर का आखिरी टॉपिक है। चैप्टर जो है ख़त्म होने वाला है और चैप्टर को हम टाटा गुड बाय करने वाले हैं। तो इस टॉपिक को ध्यान से समझिए और रिएक्शंस को अपनी नोटबुक में नोट डाउन ज़रूर करना। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या पढ़ेंगे आज हम। आज हम पढ़ेंगे कॉस्टिक सोडा के बारे में। ठीक है, केमिकल नेम, केमिकल फॉर्मूला, प्रेपरेशन, यूजेज, ब्लीचिंग पाउडर के बारे में, बेकिंग सोडा के बारे में, वॉशिंग सोडा के बारे में, और प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में। ठीक है, सभी पांचों के पांच जो सॉल्ट्स है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से सुनना। चलिए देखते हैं, कॉस्टिक सोडा से स्टार्ट करते हैं हम। जी बच्चों, फर्स्ट वन इज कॉस्टिक सोडा। ठीक है, सबसे पहले कॉस्टिक सोडा का केमिकल नेम क्या है? व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ कॉस्टिक सोडा? क्या है कॉस्टिक सोडा का केमिकल नेम? सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। और केमिकल फॉर्मूला क्या है इसका? NaOH। ठीक है, केमिकल नेम कॉस्टिक सोडा का क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। और केमिकल फॉर्मूला क्या है? NaOH। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी प्रेपरेशन की, बनता कैसे है ये। ये आपको फिगर आपकी एनसीईआरटी की बुक में भी नजर आएगी। ठीक है, हम बात करते हैं बनता कैसे है कॉस्टिक सोडा। तो कॉस्टिक सोडा को बनाने के लिए हमने पता है हमें रॉ मटेरियल क्या लेना है, NaCl लेना है, क्योंकि पता है कि NaCl एक रॉ मटेरियल है। उस रॉ मटेरियल की हेल्प से हम सभी सॉल्ट्स को बनाएंगे। ठीक है, NaCl हम एक रॉ मटेरियल की तरह वर्क कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, इस सोडियम हाइड्रोक्साइड को बनाने के लिए हमें NaCl में पानी को ऐड करना पड़ेगा। जब NaCl में पानी को ऐड करेंगे तो वो कहलाएगा ब्राइन। जब NaCl में पानी को ऐड करेंगे वो बनेगा ब्राइन। तो ब्राइन क्या है? ब्राइन आपके पास NaCl का वाटर के अंदर सोल्यूशन है। अब इस ब्राइन में से हम क्या कर रहे हैं, इस ब्राइन में से हम इलेक्ट्रिसिटी को पास करवा रहे हैं। जैसे कि आपको ये पूरा स्ट्रक्चर दिख रहा है, पूरा डायग्राम दिख रहा है, ये ब्राइन है। ब्राइन को हमने इसके अंदर से इंसर्ट किया है, दो इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव है, पॉजिटिव एनोड है, कैथोड है, इनकी रिएक्शन हो रही है आपस में। ठीक है, हमने क्या करा है, ब्राइन लिया है। ब्राइन क्या है, रिएक्शन में यहीं पे लिख देती हूँ छोटा छोटा, ठीक है, आपको नजर आएगा ऊपर से। इसको मैं दोबारा से इरेज करके लिख दूंगी, सिर्फ समझाने के लिए यहाँ पे लिख दूंगी आपको रिएक्शन। ठीक है, रिएक्शन क्या है, ब्राइन में। तो ब्राइन क्या है, ये लिया आपने NaCl, इस NaCl में आपने डाल दिया वॉटर। ठीक है, उसमें से आपने पास करा दी इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, ये आपके पास क्या बना है, ब्राइन बना है। जब आप इस ब्राइन में से इलेक्ट्रिसिटी को पास करवाते हो तो आपके पास क्या बनता है, NaOH बनता है। ये आपके पास NaOH बन रहा है, प्लस आपके पास हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है, प्लस क्लोरीन गैस रिलीज हो रही है। ठीक है, आपके पास हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है, साथ में आपके पास क्लोरीन गैस रिलीज हो रही है। ठीक है, आपने क्या किया है, ब्राइन बना है। ब्राइन कैसे बना है, NaCl लिया है, NaCl को वॉटर में हमने ऐड किया है, ब्राइन बन गया है, यानी कि एक्वस सॉल्यूशन लिया है जब हमने NaCl का, तो वो ब्राइन कहलाता है। और उस ब्राइन में से जब हम इलेक्ट्रिसिटी को पास करवाते हैं तो हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है।
हाइड्रोजन गैस बन रही है और क्लोरीन गैस निकल रही है। अब आप देख सकते हैं फिगर से हाइड्रोजन गैस कहाँ बन रही है, कैथोड पे बन रही है, कैथोड से रिलीज हो रही है, और क्लोरीन गैस आपके पास एनोड से रिलीज हो रही है। ठीक है, ये ब्राइन कंटेनिंग एनएच यहाँ पे है। अब क्लियर हुआ कैसे बनाइए, कैसे बनाइए आपके पास, जब इलेक्ट्रिसिटी को हमने पास करवाया है एक्वस सॉल्यूशन से सोडियम क्लोराइड के, जिसको हम ब्राइन कहते हैं, ठीक है, और ये टूट गया है किसमें, सोडियम हाइड्रोक्साइड में, क्लोरीन गैस में और हाइड्रोजन में, ठीक है, और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, क्लोर अल्कली प्रोसेस। इस प्रोसेस को हम क्या कह रहे हैं, क्लोर अल्कली प्रोसेस। क्यों कह रहे हैं इसको क्लोर अल्कली प्रोसेस, क्योंकि इसमें क्लोरीन गैस बन रही है, क्योंकि इसमें क्लोरीन गैस बन रही है, और अल्कली क्या होते हैं, बेस होते हैं, ये बेस बन रहा है, तो इसलिए हम इसे क्लोर अल्कली प्रोसेस भी कह रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर हमें जो प्रोडक्ट में है वो क्लोरीन मिल रहे हैं और सोडियम जो हाइड्रोक्साइड मिला है वो आपके पास बेस मिला है, इसीलिए हम इसे क्लोर अल्कली प्रोसेस कह रहे हैं। तो क्लियर हुआ आपको क्या क्या हुआ था इसमें, हमने इसमें NaCl लिया है, NaCl हमारे पास क्या है, एक रॉ मटेरियल है, जब NaCl का हम एक्वस सॉल्यूशन ले रहे हैं तो वो ब्राइन कहलाता है, और उस ब्राइन में से जब हमने इलेक्ट्रिसिटी को पास करवाया है तो वो ब्राइन ब्रेक हो गया है, ब्राइन ब्रेक होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बन गया है, हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई है, क्लोरीन गैस रिलीज हुई है, और इस प्रोसेस को हम कह रहे हैं क्लोर अल्कली प्रोसेस। ठीक है, क्लोर अल्कली प्रोसेस क्यों कह रहे हैं, क्योंकि क्लोरीन निकली है और हमारे पास अल्कली यानी बेस बना है सोडियम हाइड्रोक्साइड का। तो समझ में आया, अब बात करते हैं हम इसके यूजेस की। तो जो हमारे पास क्लोरीन बना है, अब आपको पता है क्लोरीन कहाँ यूज होता है, वाटर ट्रीटमेंट में, स्विमिंग पूल्स में। ठीक है, आपको पता है जैसे पानी में से कुछ कई बार स्मेल आ रही होती है तो क्या करते हैं, पानी में अगर जर्म्स वगैरह होते हैं तो उसमें हम क्लोरीन को ऐड कर देते हैं। ये देखते हैं कई बार आपको पानी में से स्मेल आ रही होती किसी चीज की, किसी मेडिसिन की बोलते हो ना, तो वो मेडिसिन क्या है, क्लोरीन है। क्लोरीन को हम उसके अंदर डाल देते ताकि उसको वाटर को ट्रीट कर दे, वाटर को प्योर बना दे। ठीक है, और पानी की स्विमिंग पूल का जो पानी है इतने दिन तक कैसे रह सकता है साफ सुथरा, उसमें भी वो क्लोरीन को ऐड करके रखते हैं। ठीक है, बात करते हैं हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन कहाँ, जो हाइड्रोजन इस रिएक्शन से बना है वो फ्यूल्स की तरह वर्क करता है फर्टिलाइजर्स में, अमोनिया की तरह वर्क करता है, अमोनिया है एक तरह का, अमोनिया में जो बनता है ना फर्टिलाइजर में, उसमें ये हाइड्रोजन यूज होता है। और जो आपके पास ब्राइन कंटेनिंग NaOH बना सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये आपके पास मेटल की डीग्रीसिंग करने के लिए यूज होता है, डिटर्जेंट में यूज होता है, और पेपर को बनाने के लिए ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है ये यूज होता है। तो आपको समझ में आया कॉस्टिक सोडा के बारे में, यहां से क्लियर हुआ। ठीक है, अगर आपको बाय वर्ड पढ़ना है आप अपनी NCERT की बुक से पढ़ सकते हैं, अगर फिर भी कोई डाउट है, कुछ समझ में नहीं आता तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आपको याद रखना होगा, और इसकी रिएक्शन जो है इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में, डिस्कस कॉस्टिक सोडा, इट्स केमिकल नेम, इट्स केमिकल फॉर्मूला, इट्स रिएक्शन, तो आपने रिएक्शन बतानी है इसकी, और इसके यूजेस भी आपको याद रखने हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए से यहां से। यस, सेकेंड वन इज ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल नेम क्या है, ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल नेम है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। ठीक है, CaOCl2 इसका केमिकल फॉर्मूला है, केमिकल नेम है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड और केमिकल फॉर्मूला है CaOCl2। ठीक है, अब बनता कैसे है ये, अब हमने लास्ट में जो हमने कॉस्टिक सोडा वाला प्रोसेस पढ़ा था उसमें हमने क्या किया था, ब्राइन लिया था, ब्राइन हमारे पास NaCl का क्या था, एक्वस सॉल्यूशन था, जब हम उसमें से इलेक्ट्रिसिटी को पास करवा रहे थे तो हमारे पास क्लोरीन गैस रिलीज हुई थी, है ना, क्लोरीन गैस भी हमारे पास बनी थी प्रोडक्ट में, तो उसी क्लोरीन गैस का हम यूज कर सकते हैं इस ब्लीचिंग पाउडर को बनाने के लिए। हमने क्या लिया है, हमने स्लेक्ड लाइम लिया है, हमने ड्राई स्लेक्ड लाइम लिया है, ये हमारे पास ड्राई स्लेक लाइम है, और इस ड्राई स्लेक लाइम में से जब हम क्लोरीन गैस को पास करवा रहे हैं तो हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड क्लोराइड बन गया है, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड बन गया, और इसको हम क्या कहते हैं, ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं, ब्लीचिंग पाउडर इसका कॉमन नेम है। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर इसका कॉमन नेम है, कॉमन नेम से जाना जाता है ब्लीचिंग पाउडर, और इसका केमिकल नेम बात करते हैं तो कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड है। तो समझ में आया, जो ब्राइन से आपके पास क्लोरीन गैस रिलीज हुई थी, हम उसके ही यूज से इस ब्लीचिंग पाउडर को जो है
बना सकते हैं। तो यहाँ से हमने इस क्लोरीन गैस को इस ड्राई स्लेक लाइम से पास करवाया है तो हमारे पास कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बना है, साथ में वाटर बन गया है। ठीक है, अब इसका यूज़ कहाँ कहाँ होता है, इसका यूज़ कहाँ होता है, फॉर ब्लीचिंग वॉश क्लोथ इन लॉन्ड्री। जो ऐसे मान लो कुछ कपड़े हैं उनको वॉश करने के लिए इनको वहाँ पे भी लॉन्ड्रीज में भी जो है ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अब घर में जैसे कि आपने देखा होगा आपकी मम्मियाँ हैं या आपके सिस्टर्स हैं वो ब्लीच वगैरह यूज़ करती है तो उसमें भी ब्लीचिंग पाउडर होता है, तो वहाँ पर भी यूज़ होता है ये। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह वर्क करता है काफ़ी सारी केमिकल इंडस्ट्रीज़ में ये। ठीक है, बहुत ज़्यादा केमिकल इंडस्ट्रीज़ में ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करते हैं, जो रिएक्शन के रेट को बढ़ा देते हैं, फटाफट रिएक्शन होती है तो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह ये रिएक्ट करता है। थर्ड, टू मेकिंग ड्रिंकिंग वाटर फ्री फ्रॉम जर्म्स, और पानी को बनाने में हेल्प करता है उसमें से जर्म्स क्लियर हो जाए, मतलब कि जर्म्स ही ना हो। ठीक है, उनको ख़त्म करने में भी यूज़ होता है। तो समझ में आया ब्लीचिंग पाउडर केमिकल नेम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, केमिकल फॉर्मूला CaOCl2, बनता कैसे है ब्राइन से, जो आपके पास क्लोरीन गैस रिलीज होगी उसकी हेल्प से हम इसको बना सकते हैं, और ये इसके यूजेस हैं। तो नोट कर लीजिए इसे यहाँ से। हाँ जी बच्चों, थर्ड वन इज़ बेकिंग सोडा। ठीक है, बेकिंग सोडा के बारे में तो आप अपने घर में भी सुनते होंगे कि बेकिंग सोडा का यूज़ करते हैं, बेकिंग सोडा का आपके पास फूड को सॉफ्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, ठीक है, तो बेकिंग सोडा का आपके घर में भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, खाने के आइटम्स में यूज़ होता है। तो बेकिंग सोडा का केमिकल नेम क्या है, अब ये तो पता है हमें कॉमन नेम बेकिंग सोडा है, तो केमिकल नेम क्या है इसका, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और केमिकल फॉर्मूला क्या है, NaHCO3 जो है इसका केमिकल फॉर्मूला है, केमिकल नेम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और केमिकल फॉर्मूला है NaHCO3। तो ये बनता कैसे है, अब आपको पता है सभी सॉल्ट को बनाने के लिए हम सोडियम क्लोराइड का तो यूज़ करते ही हैं, क्योंकि सोडियम क्लोराइड आपके पास क्या है, एक रॉ मटेरियल है। हम इस सोडियम क्लोराइड में से जब वाटर ऐड करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पास कराते हैं, अमोनिया गैस को पास करवाते हैं, तो हमारे पास बनता है अमोनियम क्लोराइड और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, अब मेरे को एक बात बताओ कि अब आपने देखा होगा कि जैसे कि किसी बंदे को एसिडिटी होगी घर में तो क्या बोलते हैं, मीठा सोडा, घर में वैसे मीठा सोडा बंदे यूज़ करते हैं जो पर्सन्स हैं, वैसे बेकिंग सोडा की वो ले लो, तो उससे क्या हो जाता है, एसिडिटी कम हो जाती है क्या, कम होगी या उससे रिलीफ मिलेगा, तभी तो बंदे लेते हैं, तभी तो पर्सन उसको कंसीडर करता है ना। तो क्या होता है ऐसे, क्योंकि जो हमारे पास ये है, हमारे पास बेकिंग सोडा है ना, ये हमारे पास क्या है, एक तरह से क्रोसिव बेसिक सॉल्ट है, नॉन क्रोसिव बेसिक सॉल्ट सॉरी, ये आपके पास बेस की तरह रिएक्ट करता है, क्योंकि एसिडिटी को कौन वो करेंगे, मतलब एक तरह से हम इसे कह सकते हैं कि एंटासिड की तरह वर्क करता है, डैट्स वाई हम इसे कंसीडर करते हैं, डैट्स वाई हम इसको ले लेते हैं। ठीक है, तो बनता कैसे है ये आपने देख ही लिया है, ये रॉ मटेरियल है NaCl, इसमें हमने वाटर को ऐड कर दिया, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पास करा दिया है, अमोनिया को पास करवा दिया है, तो अमोनिया क्लोराइड बना है और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हमारे पास बना है। लेकिन जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, यानी कि बेकिंग सोडा है, बहुत ज़्यादा हमारे घर के काम में ये यूज़ होता है। अब हम क्या करते हैं, अगर हम इसको हीट कर देते हैं, अगर हमने इसको हीट कर दिया है, ये हमने इसको हीट कर दिया है, तो हमारे पास क्या बनेगा, Na2CO3, यानी कि हमने इसको क्या कर दिया है, हीट कर दिया है, तो हमारे पास क्या बना है, Na2CO3 और साथ में हमारे पास वाटर बना है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनी है, इसको क्या बोलेंगे हम, सोडियम कार्बोनेट। जब हमने इसको हीट कर दिया है तो हमारे पास सोडियम कार्बोनेट जो है बन गया है। ठीक है, अब क्लियर हुआ यहाँ से, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट बन गया है, अब इसके यूजेस क्या क्या हैं, इसके यूजेस क्या क्या हैं, अब बोल सकते हो ये आपके पास फूड आइटम्स में भी जो है यूज़ हो जाता है, और एंटासिड की तरह भी ये रिएक्ट करता है, इट इज़ यूज एन एंटासिड, ठीक है, इट इज़ Use as an antacid, being an
अल्कलाइन नॉन क्रोजिव सॉल्ट, ठीक है। एंटासिड की तरह वर्क करता है। आपको मैंने जैसे बताया कि आपके पास ये अगर एसिडिटी वगैरह हुई तो घर में हम ये कॉमन जो है घर वाले ये यूज़ कर लेते हैं, जैसे कह सकते हैं ना देसी नुस्खा, तो उसके लिए भी हम इसको कंज्यूम करते हैं ताकि ये आपकी एसिडिटी को जो है कम करे, ठीक है। और कैसे यूज़ होता है, यूज एज सोडा एसिड फायर एक्सटिंक्शर, यूज एज सोडा एसिड फायर एक्सटिंक्शर, तो इसमें भी ये यूज़ होता है, ठीक है। और आप क्या कर सकते हो, इस बेकिंग सोडा को जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया है, अगर हमें केक बनाना है या केक को स्पंगी करना है, स्पंजी बनाना है, सॉफ्ट करना है, तो उसके लिए भी हम बेकिंग सोडा का जो है इस्तेमाल करते हैं। और ये बेकिंग सोडा वाला ज़रूर पेपर में पूछा जाता है, इम्पॉर्टेंट है इसका केमिकल नेम, इसके रिएक्शंस और इसके यूजेस, तो इसे ध्यान से समझ लेना। केमिकल नेम क्या है इसका, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, केमिकल फॉर्मूला है NaHCO3, और बनता कैसे है ये सारी रिएक्शन दी हुई है इसकी, नोट कर लेना, ठीक है। इसको हीट करके हमें सोडियम कार्बोनेट भी मिल जाता है। और इसके यूज़ कहाँ कहाँ हैं, एक तो ये एंटासिड की तरह वर्क करता है क्योंकि ये आपके पास नॉन क्रोजिव बेस है, ठीक है, सॉल्ट बेस का, और सोडा एसिड की तरह भी ये रिएक्ट करता है फायर एक्सटिंक्शन में। और ये आपके फूड आइटम्स को जैसे ब्रेड है, केक है, इनको सॉफ्ट करने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। तो यहाँ से नोट कर लीजिए, बेकिंग सोडा को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको इसकी प्रेपरेशन बाय वर्ड्स नहीं लिखवा रही हूँ क्योंकि वो आपके पास ऑलरेडी आपकी बुक के अंदर प्रेजेंट है। बुक के अंदर बाय वर्ड्स आपको सब कुछ मिल जाएगा आपकी NCERT की बुक में से, ठीक है, आप वहाँ से अपना पढ़ सकते हैं। वीडियो को देखना, उसके बाद अपनी बुक से पढ़ना, आपको समझ में आएगा सब कुछ पॉइंट्स। अगर आपको नहीं समझ में आता तो आप अपने मुझे कमेंट सेक्शन में जो है अपने डाउट जो है मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, जी फोर्थ वन इज वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा का केमिकल नेम आपके पास क्या है, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, ठीक है। और इसका केमिकल फॉर्मूला क्या है, Na2CO3 10H2O, ठीक है। डेका मतलब 10 और हाइड्रेट मतलब वाटर के मॉलिक्यूल्स लगे हुए हैं। अब आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, यहाँ पे डॉट में जो है वाटर के मॉलिक्यूल्स लगे हुए हैं तो हम इसे क्या कहेंगे, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, क्या बोलेंगे, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। जब डॉट के साथ लगे होते तो उसको बोलते हैं हम वाटर के मॉलिक्यूल, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो वाटर के मॉलिक्यूल इसके साथ लगे हुए डॉट में, ये आपके पास जो नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल है वो फिक्स क्वांटिटी में है, उन्हें हम चेंज नहीं कर सकते, फिक्स रहेंगे वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, क्योंकि Na2CO3 का स्ट्रक्चर ही ऐसा है कि उसने अपने साथ 10 पानी के मॉलिक्यूल्स को लगा लिया है, ठीक है। अब ये बनेगा कैसे, प्रिपरेशन कैसे होगी इसकी, इसकी प्रिपरेशन करने के लिए सबसे पहले तो हमें जो है वो बनाना पड़ेगा आपका बेकिंग सोडा बनाने पड़ेगा, यानी कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनाना पड़ेगा। अब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट आपके पास कैसे बनेगा, NaCl में जब हम पानी डालते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को रिलीज कराते हैं, अमोनिया डालते हैं, तो हमारे पास बन जाता है NH4Cl + NaHCO3, यही बनता ना है। ये आपके पास क्या बना है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, इसको हीट कर रहे हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हमने हीट कर दिया है, ठीक है, ये रिएक्शन लर्न कर लेना, इसको हमने हीट कर दिया तो हमारे पास क्या बना है, Na2CO3 प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस और प्लस वाटर रिलीज हुआ है, यही बनता है ना, ठीक है। ये आपके पास बना है, क्या बना है ये आपके पास, ये आपने बेकिंग सोडा लिया था, ये आपके पास क्या बना है, सोडियम कार्बोनेट तो बन गया है। अब हमने क्या किया है, अब हमने इस सोडियम कार्बोनेट में पानी को ऐड कर दिया है, तो हमारे पास क्या बना है, Na2CO3 10H2O, और यही हमें बनाना था। ये हमारे पास क्या है, वॉशिंग सोडा है, और इसे हम क्या कह सकते हैं,
सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। अब मैंने जैसे आपको बोला है डॉट के साथ लगे हुए हैं, तो आपके पास क्या है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का नंबर मतलब क्या है कि जो नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स लगे हैं उनकी क्वांटिटी क्या है, फिक्स है। अगर वो 10 लगे हैं तो 10 ही रहेंगे, तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की बात करेंगे। अगर आपके पास कोई भी कंपाउंड आता है और उसमें वो डॉट के साथ वाटर के मॉलिक्यूल्स लगे होते हैं तो हम उसे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। ये नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स जो है फिक्स रहते हैं, तो इसके साथ 10 ही मॉलिक्यूल क्यों लगे हैं मैम, आपने 10 ही रिएक्शन में मॉलिक्यूल लिए थे और 10 के 10 इसने पूरे लगा लिए। 10 इसलिए लगे हैं क्योंकि इसके पास ऐसा स्ट्रक्चर है कि 10 मॉलिक्यूल को पानी के ये होल्ड करके रख सकता है, 10 को अपने अंदर जो है पूरा स्ट्रक्चर बना सकता है, ठीक है। इसी इसके पास इतनी एफिशिएंसी है, इसीलिए इसने 10 पानी के मॉलिक्यूल्स को होल्ड कर लिया है। अब मेरे माइंड में ना यहाँ से एक क्वेश्चन और आता है, या किसी बच्चे के माइंड में और क्वेश्चन आ जाता है कि मैम अब इस सॉल्ट के अंदर तो पानी है, पानी के 10-10 मॉलिक्यूल लगे हुए हैं, क्या ये सॉल्ट गिलगिला है, गिला है ये सॉल्ट, ऐसा भी होगा? नहीं बच्चों, ये सॉल्ट गिला नहीं होगा। जो वाटर के मॉलिक्यूल्स लगे हैं ना, ये इसके क्रिस्टल्स के अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट है, क्रिस्टल्स के अंदर प्रेजेंट है, ये गिला नहीं होगा। ये सॉल्ट जैसा है वैसा ही होगा। ये जो पानी है इसके क्रिस्टल्स के अंदर ऐड होगा, ना कि सॉल्ट के अंदर ऐड होगा और इसको सॉल्यूशन फॉर्म में बना देगा। तो ये क्वेश्चन ऐसा नहीं अराइज होना चाहिए आपके माइंड में कि ये सॉल्ट कैसा होगा, गीला होगा, ऐसा नहीं है, ये सॉल्ट गीला नहीं होगा, ठीक है। समझ में आया यहाँ से? अब इसे यूज अब ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं इसके बाद की है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की, अगर हम इसकी जगह इसकी बात करते हैं, कॉपर सल्फेट ले लिया है, इसके अंदर 5H2O लगे हुए हैं, ये भी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की बात ही है, और इसको हम बोलते हैं ब्लू विट्रोल, क्योंकि इसके अंदर जो फिक्स्ड है मॉलिक्यूल्स लगे हुए हैं वाटर ऑफ उसके वाटर के, ठीक है, ब्लू विट्रोल बोलते हैं इसको। और ऐसे ही काफ़ी सारे और भी एग्जांपल्स आते हैं आपके पास, ठीक है। अब इसके यूज़ के बारे में देखते हैं हम यहाँ से, कहाँ कहाँ यूज़ होता है वॉशिंग सोडा, ठीक है, कहाँ कहाँ यूज़ होता है, यूज़ इन ग्लास सोप एंड पेपर इंडस्ट्री, ठीक है। ये आपके पास पेपर बनाने के लिए पेपर इंडस्ट्री में भी यूज़ होता है, ठीक है, और ग्लास सोप, ग्लास में होता है, सोप में होता है, और कहाँ यूज़ होता है, यूज़ फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, यूज्ड फॉर रिमूविंग अब हार्डनेस क्या होता है बच्चे, पानी ना हार्ड हो जाता है। पानी हार्ड क्यों होता है, कुछ सोल्ट वगैरह प्रेजेंट होता है। अगर आप जैसे मान ले चल जाते हो किसी दूसरे एरिया में चले गए हो, जैसे आप चल जाते हो यूपी साइड चल जाते हो, कुछ ना वहाँ का पानी सॉल्टी होता है, जो सॉल्टी पानी होता है ना उसमें मीजल्स नहीं मिलती, मतलब मीजल्स मतलब झाग नहीं बनती। अगर आप उसे कपड़े धोने के लिए यूज़ करोगे, किसी चीज़ के लिए यूज़ करोगे ना, तो उसके अंदर मीजल्स नहीं बनेंगे क्योंकि वो सॉल्टी वाटर है। तो ऐसे ही उस पानी को सॉल्ट से फ्री करने के लिए हम क्या करेंगे, डिटर्जेंट का यूज़ करेंगे, और डिटर्जेंट जो है इसी वॉशिंग सोडा वाले उसमें आता है, तो ये वाटर की हार्डिडिटी को रिमूव करने में भी हमारी हेल्प करता है, ठीक है। तो यूज़ फॉर रिमूविंग हार्डनेस ऑफ वाटर, ठीक है। तो और भी यूजेस हैं इसके बहुत ज़्यादा, आप अपनी बुक से रीड कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर हुआ यहाँ से वॉशिंग सोडा? वॉशिंग सोडा का केमिकल नेम है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, केमिकल फॉर्मा Na2CO3 10H2O, ठीक है, डॉट के साथ लगे हुए, यानी कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। बनेगा कैसे, इसको बनाने के लिए सबसे पहले तो हमें सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनाना पड़ेगा, फिर उस सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हम हीट करेंगे, फिर उसको हीट करने से हमारे पास सोडियम कार्बोनेट बन जाएगा, और उस सोडियम कार्बोनेट के अंदर हम वाटर के मॉलिक्यूल्स को ऐड कर देंगे तो हमारे पास वॉशिंग सोडा बन जाएगा, ठीक है। ये इसकी रिएक्शन है, यहाँ से नोट कर लीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट है, वॉशिंग सोडा भी इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में आता है। हाँ जी बच्चों, नेक्स्ट है प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। इसका केमिकल नेम क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का केमिकल नेम है आपके पास कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, ठीक है। केमिकल नेम है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, और केमिकल फॉर्मूला है CaSO4 1/2H2O, हेमी मतलब हाफ, हाइड्रेट मतलब वाटर, ठीक है। अब ये बनता कैसे है हमारे पास, जब हम जिप्सम को हीट करते हैं, ये आपके पास जिप्सम है,
इस जिप्सम को जब हम हीट करते हैं 373 डिग्री केल्विन के टेम्परेचर पर, तो आपके पास क्या बनता है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, ये आपके पास बन जाता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, और साथ ही साथ आपके हाफ वाटर मॉलिक्यूल्स जो है रिलीज हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको एक केस याद रखना है, अगर हम इसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस लेते हैं, 100 ले लेते हैं, तब क्या होता है, तब ये सारे के सारे पानी के मॉलिक्यूल्स अपने लूज़ कर देता है कैल्शियम सल्फेट, ठीक है, सारे के सारे पानी के मॉलिक्यूल्स जो है लूज़ हो जाएंगे और ये क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, डेड बर्न प्लास्टर बन जाएगा, सड़ा हुआ प्लास्टर बन जाएगा, जला हुआ प्लास्टर बन जाएगा, जिसका कोई यूज़ नहीं होगा। तो इसीलिए यहाँ पे जो टेम्परेचर का रोल है बहुत ज़्यादा मेन है, आपको टेम्परेचर का भी याद रखना है कि हम 373 केल्विन के टेम्परेचर पे ही ये रिएक्शन को जो है करवा सकते हैं और हमारे पास कैल्शियम हेमीहाइड्रेट बन जाता है। अब ये प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये POP, ये इसका नाम कहाँ से आया है, ये POP नाम प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे बना है, ठीक है, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस बच्चों बना कैसे है, जब हम कैल्शियम सल्फेट इसमें हाफ हाइड्रोजन वाले मॉलिक्यूल्स में हम क्या करते हैं, वाटर को ऐड कर देते हैं, तो हमारे पास ये बन जाता है जिप्सम, ये बन गया जिप्सम। और ये जिप्सम कैसा बना है, बहुत ज़्यादा हार्ड बना है, हार्ड बना है, बिल्कुल बिल्कुल हार्ड बना है। तो हार्ड क्या होता है, प्लास्टर होता है, तो प्लास्टर की तरह हार्ड बना है, तो इसको प्लास्टर, तो नाम यहाँ से ही आ गया। अब पेरिस कहाँ से आ गया, मैम इटली क्यों नहीं है, लंदन क्यों नहीं है, अमेरिका क्यों नहीं है, पेरिस ही क्यों है, तो ये पेरिस इसलिए है बच्चों क्योंकि सबसे पहले प्लास्टर ऑफ जो आपको कहाँ पे मिला था, कहाँ पे मिला था, पेरिस में, इसीलिए ये जिप्सम आपको सबसे पहले पेरिस में मिला था, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है, समझ में आया यहाँ से। अब इसका यूज़ कहाँ कहाँ होता है, यूज़ इन मेकिंग टॉयज, खिलौने बनते हैं, हीलिंग फ्रैक्चर बॉडी, ठीक है, फ्रैक्चर जैसे कुछ बोन हड्डी टूट जाती है तो उसको जोड़ने के लिए हम फ्रैक्चर उसमें ये यूज़ होता है, फॉल्स सीलिंग जैसे सीलिंग वगैरह घर में डेकोरेशन बनी है, ऊपर सीलिंग्स बनी है वॉल्स, उसमें ये इसका यूज़ होता है, घर में देखा होगा ना, घर में आपके भी सीलिंग वगैरह बनी होगी, किसकी हेल्प से बनी है, इसी प्लास्टर ऑफ पेरिस की हेल्प से बनी है। तो क्लियर हुआ यहाँ से, केमिकल नेम क्या है इसका, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, केमिकल फॉर्मूला कैल्शियम सल्फेट हाफ H2O, और बनता कैसे है, जिप्सम को जब हम 373 डिग्री केल्विन के टेम्परेचर पर हीट करते हैं तब हमारे पास प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है, ये इसके यूजेस है। और यूजेस अगर आपको पता है आप ऐड कर सकते हैं, और अगर आपको और ब्रीफली बायवर्ड्स पढ़ना है आप अपनी NCERT बुक से पढ़ सकते हैं, ठीक है, नोट कर लीजिए इसे यहाँ से। हाँ जी बच्चों, कैसी लगी आज की वीडियो, कमेंट सेक्शन में मेंशन कर ज़रूर बताना। अगर आपको कोई डाउट है, कुछ समझ में नहीं आया है, वो अपने डाउट्स भी आपने कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर मेंशन करने हैं, ठीक है। आज का चैप्टर जो है, मतलब जो आज वाली वीडियो थी, टॉपिक तो ख़त्म हो चुके हैं, सॉल्ट्स वाले बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक थे, एग्जाम में ज़रूर पूछे जाते हैं ये टॉपिक्स, ठीक है। आज का जो आपका चैप्टर है जो एसिड बेस और सॉल्ट, फिनिश हो चुका है, अब इस चैप्टर को हम टाटा गुड बाय कर देते हैं, ठीक है। जिस बच्चे ने अभी तक पिछली वीडियोस नहीं देखी है, बार बार बोल रही हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी लिंक प्रेजेंट है, सभी लिंक पर आप क्लिक करिए जाकर और वीडियोस को ज़रूर देखिए पिछले इस चैप्टर की, ठीक है। और जिस बच्चे ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को जाकर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जो है प्रेस करें, ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मेरी वीडियोज़ की टाइमली मिल सके। हाँ जी बच्चों, और एक बात और है, अगर आपको किसी चैप्टर की वीडियो चाहिए, किसी चैप्टर आपको नहीं समझ में आता है, तो आप अपने चैप्टर का नेम भी मुझे कमेंट सेक्शन में सजेस्ट कर सकते हैं, ठीक है, तो हम आपकी जो नेक्स्ट वीडियो है आपके अकॉर्डिंग भी बनाएंगे, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। पढ़ते रहिए तब तक के लिए अपना, अब हम मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए अपना पढ़ते रहिए, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, गुड बाय।